एचआईवी के साथ जी रहे लोगों का जीवन वैसे ही कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन उन समस्याओं को दुगना और किया जा रहा है। वे व्यक्ति जो एचआईवी के साथ जी रहे हैं उनके लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट एक वरदान की तरह है। ये वो दवा है जो इनके रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। ARTM रेगुलर जब हमारी CD4 डाउन होने के बाद रेगुलर जब ARTM लेते हैं तो हमारी हेल्थ तो जो है बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है। हमें कभी क्या उसका नाम बीमार नहीं पड़ते हैं और अदर कोई इन्फेक्शन हमें नहीं होता है। यदि यूरोपियन कंपनी से भारत शासन का ये करार हो जाता है तो ये दवा कई गुना महंगी हो जाएगी, और जिस समय यदि कालांतर में शासन इसको निशुल्क देना बंद कर देता है तो PL HIV के लिए अत्यंत कठिन होगा इस दवा को खरीद पाना। और पूरे 1400 लोग ये चाहते हैं कि ऐसी कोई भी करार ना हो, क्योंकि इस तरह के करार से हम PLHA के ऊपर भार बढ़ सकता है। क्योंकि आज से 10 साल पहले विदेशी दवाएं हमें उपलब्ध कराया जा रहा था, जो हम परचेसिंग कर रहा था 10 से 12 हज़ार रुपये अपने पास से लगाकर, जिससे कई हमारे भाई है जो अपने घर द्वार जमीन सोना चांदी तक बेचना पड़ गया, जिसके कारण वो आज अपने सामने जीवित नहीं है। क्योंकि जमीन जायदाद बेचने के बाद भी वो अपने दवाई पे पैसा लगा लगा कर थक हार चुका था और अपनी जीवन को ख़त्म कर चुका था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो भाई हैं वो फिर से उस चीज़ को सामना करें। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दो मेल आईडी दे रहा हूं, जिसमें एक इंडियन गवर्नमेंट के हैं और एक क्या यूरोपियन कंट्री के हैं। आप यूरोपियन कंट्री को ये मेल करें कि क्या उसका नाम हमारी जो इंडियन दवाई है मेडिसिन है उसके साथ छिड़कानी ना करें, हमें इस मेडिसिन के साथ एक अच्छी लाइफ जीने दो। और मनमोहन सिंह जिसको आप मेल करें, जो मेल आईडी आपको पास दे रहे हैं उसमें ये मेल करें कि अभी इंडियन मेडिसिन जो है बहुत सस्ती और सुलभ आसानी से हमें अवेलेबल हो रहा है और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और इस मेडिसिन को ही हमें उपलब्ध कराए। मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय दवाओं कंपनी की साठगांठ, इससे रेवेन्यू कितना बनता है, समझौता कैसे होता है, उस पर सबकी निगाह है। लेकिन आम व्यक्ति जो HIV के साथ जी रहा है उसके जीवन पे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और इस अभियान को सफल बनाएं ताकि इस तरह का समझौता ना हो। सस्ती सुलभ दवाएं जो उपलब्ध हैं भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं, वो आसानी से मिल रही हैं, वो निरंतर जारी रहे। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरबत नकवी।